Hi guys, this is Ashish Mehrotra and you guys are watching Telefilms. Keep watching Telefilms. सबसे पहले आपका स्वागत है टेलीफिल्म्स पे. थैंक यू सो मच. बहुत अमेजिंग लग रहे हो आप आज के लुक के. लेकिन आज ये स्पेशल डे, क्या कुछ कहना चाहोगे? आई थिंक इफ्तारी का दिन है और सिंस इट इज़ अ टाइम वेयर सब लोग मिल के अपना फास्ट एक तरीके से ब्रेक करते हैं और खाते हैं साथ में, उस इमोशन को सेलिब्रेट करते हैं. तो बेसिकली वो जो एकजुट होने वाली बात है ना, उसके लिए आज हम लोग सब यहाँ पर हैं. अनुपमा शो, ये रिश्ता शो, अलबेला शो, एंड बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया. एज मेरा अटायर बहुत ही सिंपल है यार, चिकन का कुर्ता है, डेनिम है और बूट्स हैं. इट्स जस्ट मी, दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच सर. की मैं बात करूँ, काफ़ी स्पेशल हो जाता है राजेंद्र सर की. तीनों परिवार को एकजुट की कोई क्या ही बात कर सकता है. आप कितना क्या कुछ ऐसी बात है जो अमेजिंग लगती हो एज ए एक्टर? एज एन एक्टर से ज़्यादा ना राजन सर से मैं एज ए ह्यूमन बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ. यस, एक्टर की वजह से मैं उनसे मिल पाया, उनके साथ काम कर पाया, ये शो मैं उनके साथ कर पाया, विच आई एम ब्लेस्ड फॉर. बट राजन सर जैसा इंसान इट्स रियली रियली हार्ड टू फाइंड, बिकॉज वो ना ही सिर्फ एक मास्टर पीस इन टर्म्स ऑफ स्टोरी नरेशन है, इन टर्म्स ऑफ इमोशन डिपिक्शन है, बल्कि ही ऑल्सो अंडरस्टैंड योर रियल इमोशंस, ही ऑल्सो अंडरस्टैंड योर रियल पर्सनैलिटी. And he is always there for you when you really, really need him. And that's just what matters. आपके किरदार की बात करूँ, स्पेशली एक किरदार में मुझे a good husband, a good brother, a good son, इतने सारे अलग अलग किरदार छुपे रहते हैं. आप अगर अपने किरदार को कितना स्पेशल फील करते हो अनुपमा सर पे? मैं राजन सर का काला घोड़ा हूँ. वो जो मुझे देते हैं मैं उसको निभा देता हूँ. आई एम ब्लेस्ड दैट मैं वो निभा पाता हूँ. इतने सारे शेड्स एक्चुअली जो तोशु ने इस पूरे 3 साल में निभाए हैं, दैट्स बीन अ ब्लेसिंग. और मेरे को बहुत मज़ा आता है वो निभाने में, वो आप तक पहुंचाने में, एंड उस कन्विक्शन को अंदर रख के डिलीवर कर पाना, वो राजन सर की बदौलत होता है. बिकॉज जब भी वो मुझे कुछ आके दे देते हैं, वो कहते हैं ये है, ये तू कर लेगा. एंड मैं कहता हूँ सर अच्छा ओके, आपने बोला मैं पूरी जान लगा दूंगा, एंड मुझे बहुत मज़ा आता है वो करने में. थैंक यू सो मच राजन सर. बट तोशु का मैं बोलूँ, अब जो जिस तरह का किरदार है, जो फेस में जो बोलना इतना डिफिकल्ट लगता है, बहुत दर्द हो जाता है, बहुत दर्द हो जाता है, सॉरी सर. सो वो किरदार कितना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि यू हैव टू लाइक डू 12 आवर्स ऑफ सी. आई थिंक ऐसा किरदार ना फिल्म में करना फिर भी मैं नहीं कहूँगा आसान है, बट फिर भी इन अ वे डूएबल है. बिकॉज आपको पता है कि आपके एक दिन में एक सीन होने वाला है, दो सीन होने वाले हैं, देन यू हैव अ स्पेसिफिक स्केड्यूल टू फुलफिल. बट टीवी में ना ये आपको रोज़ करना है. और हमारे शॉट्स ना ऐसा नहीं होता कि हमने अगर क्लोज ले लिया तो बस हो गया. नहीं, हमारा क्लोज भी होगा, टू शॉट भी होगा, मिड भी होगा, वाइड भी होगा. इन सारे शॉट्स के लिए पूरे दिन में 5 सीन है, 6 सीन है, आपका मुँह रहेगा और ऐसे ही आपको सारे डायलॉग बोलने. तो व्हेन यू गो होम दर्द होता है, आई विल नॉट लाई, दर्द होता है. बट आई थिंक वही तो फन है ना, वही हाउ यू से इट, पेन इज गेन, नो पेन नो गेन. एंड वही चाहत है तोशु, वही चाहत है, तो मजा आता है. मैं आपको किरदार के नाम से बोलूंगा तोशु. बिल्कुल हां, कोई बात. बाय बाय. एंड मैम की मैं बात करूँ, सबसे जितना प्यार आपको मिलता है, शी इज सो ब्लेस्ड, लाइक वी आर ब्लेस्ड टू सी यू गाइस इन द टेलीविजन. अगर आप बताना चाहोगे किरदारों को, मैम का किरदार. सी अनुपमा मैम से मैं इन रियल लाइफ भी बहुत प्यार करता हूँ, और तोशु तो उनसे प्यार करता है, बट ही इज़ मोर सेल्फिश. बट इन रियल लाइफ मैं बहुत सेल्फलेस हूँ. तो टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मैं नो मैटर वॉट, नो मैटर कोई क्या बोले क्या ना बोले, आपके कुछ लोग होते हैं ना जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं और आप उनके लिए कुछ भी करते हैं. शी इज़ वन ऑफ दोस्त मी, एंड आई एम रियली रियली ब्लेस्ड कि ये शो मुझे उनके साथ करने का मौका मिला. बिकॉज आए दिन छोटे छोटे नुआंसेस इन द परफॉर्मेंस आपको सीखने को मिलते हैं एक दिग्गज एक्टर से, और वॉट बेटर प्लेस टू लर्न देन द बैटल फील्ड इटसेल्फ. राइट ब्रदर, लास्टली ईद आने वाली है, बहुत करीब है ईद. हमारे दर्शकों को ईद की मुबारक.
मेरे सारे भाई बहनों को, मेरे सारी दोस्तों को, मेरे सारे दोस्तों को तहे दिल से, और मेरे सारी बड़ी चाहत अनुपमा वाली फैमिली को दिल से ईद की मुबारकबाद है। आप लोग हमेशा खुश रहिए, साथ रहिए, हर दुख को साथ रह के छोटा करिए, हर खुशी को साथ रह के बड़ा करिए, और अनुपमा ऐसे ही देखते रहिए। तहे दिल से मेरी आपसे गुजारिश है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।